उषा नेगी जी, आपका गढ़ कलियो मेरे ख्याल से कई शहरों में लगा है। अभी महाकौथिक आपने जो इंद्रापुरम दिल्ली में था, ये गाजियाबाद में था, उसमें उसका प्रदर्शन किया और वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। फेमस इस बात से भी हुआ कि गढ़कलियों में तो खैर आप पकवान की तो माहिर रही है, लेकिन आपकी बहु ठेठ परिधानों में जो परिधान आपका जो हमारी सभ्यता संस्कृति लोक संस्कृति को प्रदर्शित करता है, वो ज्यादा अट्रैक्शन का काम भी रहा गढ़कलियों में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। और गढ़कलियों में इस बार मैंने अपनी बहू को काउंटर में दिया कि फ्रंट में तुम रहो और आगे की मतलब आगे के लिए तुम भविष्य के लिए इसको संभालो और इसको देखो समझो कि इसमें क्या करना है, तुम्हें कैसा करना है, कैसे लोगों को डील करना है, कैसे समझाना है अपने पकवानों के बारे में, अपने जितने भी पकवान है उनके विषय में इनको बताओ। पूछते हैं तो उनको समझाओ अच्छे से कि कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको खाते हैं, क्या इसकी रेसिपी है। तो वो अंजलि ने इस बार मेरी बहू ने बहुत अच्छे से इसको संभाला। क्या जो गढ़वाली रेसिपी है उन पे अंजलि काम करेगी? आप क्या ट्रेन कर रही हैं अंजलि को? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अंजलि को ट्रेन करूं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे इस फैसले में खरी उतरेगी। आप गढ़कलियों और नेगी जी को अलग अलग क्यों करना चाहते हैं? कारण क्या है उसके पीछे? नहीं, अलग नहीं। मैं ये कहती हूँ कि मेरी पहचान जो है नेगी जी से तो है ही, लेकिन मेरे काम की भी अलग पहचान है और होनी भी चाहिए। कोई भी आदमी इंसान काम करता है तो उसकी पहचान अपने काम से होती है, उसके नाम से होती है। नेगी जी से तो है ही पहचान, ऐसा नहीं, वो मेरे पति हैं, उन्हीं से पहचान है, सब कुछ उनसे है। लेकिन मेरा काम जो है, मैं जैसे कॉस्ट्यूम का कर रही हूँ, प्रेरणा नेगी जी की है, लेकिन काम मैं कर रही हूँ, सजेस्ट सारा नेगी जी करते हैं, बताते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए, कैसा है, टेस्ट करते हैं व्यंजन को, कोई भी डिश बनाती हूँ तो टेस्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसका टेस्ट ऐसा, इसमें ये होना चाहिए। मैं कहती हूँ ठीक है, इसमें हम सुधार करेंगे, अगर आपको गलत लग रहा है तो उसको सुधारेंगे। तो लगता है आपकी बहू अंजलि को आपकी टिप्स पूरी मिलती रहेंगी और आप ये गढ़कलियों आने वाले कई सालों तक अभी चखाते रहेंगे सबको। कोशिश तो यही रहेगी कि आगे ये बढ़ती रहे, परंपरा चलती रहे, और पूरी उम्मीद है कि भले ही आजकल के बच्चों को इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, जो भी है आगे ये कि जैसा भी ये काम करेंगे, सर्विस कर रहे हैं, ये कुछ भी है, लेकिन कोशिश ये है कभी भी जब भी इनको समय मिलेगा ये करेंगे। और बाहर अगर गढ़कलियों को नहीं कर पाए, पहले तो उम्मीद है करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाए तो फिर ये घर में तो करेगी ही करेगी। मतलब घर में रसायण रहेगी। अंजलि क्या कहेंगी आप, ये रसायण आप अपने घर में बिखेरती रहेंगी या कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल चौका मार के गढ़कलियों के प्रचार प्रसार में जुटेंगी? नहीं, ये मेरा पहला स्टेप था। मैंने सास जी के साथ गई, मैंने देखा और कई चीजें मुझे तो सास जी ने फोन में ही सिखाई है। तो जैसे सास जी ने बताया, मुझे सीखने का बहुत शौक है और मैं सीखती हूँ मैं इसको आगे तक जरूर लेके जाऊंगी। मैं तो चाह रही हूँ कि अगर कहीं फूड फेस्टिवल हो तो मैं आज सास जी को यही बोल रही थी कि सास जी इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं, अब मैं भी हूँ तो हम करेंगे इसको आगे तक लेके जाएंगे। अंजलि आपकी तरफ प्रश्न है, आप जिंदगी भर बाहर रही, सबसे पहले तो गढ़वाली में दो शब्द बोलिए, क्या आपको गढ़वाली पे कमांड, कंच मतलब गढ़वाली पर कमांड? इनकी मैं बहर रही हूँ तो मैं नहीं आंदी अमर भाषा, अमर कौरम भी गढ़ बचांदा छंसा भी और या खैकी, तो मैं मतलब पॉलिशी हो रही है मेरी गढ़वाली। और वाह बहुत सुंदर। अंजलि आप अपना एजुकेशन बताएंगी और किस तरीके से आप इस परिवार से जुड़ी और थोड़े खट्टी मीठी यादें सारा क्या कहते हैं? मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया है। मैं भोपाल में दूरदर्शन के लिए एंकर करती थी, थिएटर आर्टिस्ट थी, बंसी कॉलेजी के साथ थिएटर करती थी। फिर इसके बाद मैंने एनडीटीवी के लिए रियलिटी शो भी करा। फिर इसी सिलसिले में मैं कवि का जो पहाड़ी पहाड़ी सॉन्ग है, मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, हाँ जी वो सॉन्ग, तो उसमें मैंने कुछ मैंने जैसे मास कम्युनिकेशन किया है तो मैंने कुछ इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दिए थे कि हमारा उत्तराखंड का जो फिल्म वर्ल्ड है, जो भी उसके म्यूजिक है, तो उसमें कंटिन्यूटी का ध्यान रखना चाहिए, कॉस्ट्यूम का ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब मैंने अपने जस्ट रिव्यूज दिए थे, तो इस तरीके से हम लोगों की इसी सिलसिले में बात हुई थी। और इस तरीके से कवि को भी लगा कि मेरा नेचर अच्छा लगा, कि अंडरस्टैंडिंग है, और फिर मेरी फैमिली भी बहुत कल्चरल है,
तो बस इस तरीके से एक दूसरे को समझा और फिर घर वालों की सहमति से घर वालों को मिलवाया और उनको पसंद आया तो चीजें हो गई। क्या अंजलि आपको नहीं लगता कि जो आपने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है अगर इसे हम जनरल जिसको सामाजिक परिवेश में देखें, समाज के साथ अगर इस परिवेश को लेकर, जैसे आप जब काउंटर पे थी तो एक अट्रैक्शन का होता, क्या हमारे जो परिधान है वो इस मॉडर्नाइज जो परिधान है उनसे बेटर लगते हैं आपको, ये कैसे, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ऑब्वियसली हमारे जो कॉस्ट्यूम है ये उत्तराखंडी परिधान है, ये बहुत ही सुंदर है। मैंने बकायदा अपनी शादी में गति धोती बांधी थी, ये बुलाक पहनी थी और ये बहुत सुंदर लगता है। मेरी फूफू की शादी में बकायदा सिर्फ मैं ही थी जिसने गति बांधी और जो दुल्हन थी उसने गति बांधी और बहुत अच्छा लगा और लोगों ने इसको बहुत मतलब प्रोत्साहित भी किया और कई लोग ने इंस्पायर भी हुए हम लोगों से कि जब मैं स्टॉल में आगे बैठी थी तो कई लड़कियां आई कि अरे ये क्या है, और एक लड़की तो बोल के गई कि माँ मुझे अपनी शादी में गति बांधनी है और मुझे बुलाक पहननी है। बहुत खूब बहुत खूब। मिसेज नेगी भाई साहब के साथ जो नेगी जी है, नेगी जी के साथ आपको सीखने को मिला या सिखाने को मिला, ये कहना बहुत बहुत मुश्किल सा काम है क्योंकि आप अर्धांगनी घर में भी रही हैं और पूरे स्टेज से कस्ट्यूम डिजाइन से लेकर सब कुछ आपके हाथ पे रहा है। क्या फील आता है एक सुसंस्कृत परिवार, एक लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, क्या लगता है इस परिवार के साथ आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। मुझे 35 साल हो गए नेगी जी के साथ शादी हुए और आज तक जो भी प्रेरणा मुझे मिली है सब नेगी जी के द्वारा मुझे मिली है और बहुत अच्छे जो भी बात मतलब नेगी जी सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं बहुत अच्छे से और उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि वाकई में जो संस्कृति के लिए इतना काम कर रहे हैं तो हम लोगों को भी उसको आगे करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए संस्कृति। आपका जो ये कॉस्ट्यूम है बिल्कुल अलग है जो पुराने, मतलब दो पीढ़ियां एक साथ दिख रही हैं, एक में चौनकोट दिख रहा है और एक में पराड़ दिख रहा है। तो ये जो लावा पहन रखा है, ये लावा जो खत्म हो गया है, क्या अभी भी इसकी आवश्यकता नहीं लगती कि आवश्यकता होनी चाहिए हमारे समाज की? बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग तो नेगी जी के स्टेज शो जो होते हैं उसमें हमेशा फर्स्ट जो डांस नृत्य जो हमारा होता है उसमें हम लोग लवा पहनाते हैं, तिरजुगी नारायण जिसको गाना जो हमारा है तिरजुगी नारायण हिम्मत दे सोहला तिरजुगी नारायण, उसमें हमेशा हमारा एक सॉन्ग जरूर इसमें लवा वाली ड्रेस में होता है जी। ये पैसों का माला एक ट्रेंड था पहले गढ़वाल के। जी। मैं अब आपकी तरफ से अंजलि जी को बोलूंगा। अंजलि जी आप ये बताइए, आपने जो पहना हुआ है कॉस्ट्यूम, क्या इसका आप डिफाइन कर पाएंगी कि आपने क्या क्या पहना हुआ है? हाँ जी, सर से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मुंडा सूट पहना है जो सर पे पटके की तरह लगाया गया है। इसके बाद नथ जी, ये टीरी नथ नहीं है, ये सलाणिया नथ है। दो तरीके की नथ होती है, लोगों को लगता है कि बड़ी नथ है तो टीरी नथ है, नहीं सलाणिया नथ भी होती है। फिर इसके बाद मैंने बुलाक पहनी है, फिर ये गुलबंद है, ये पोछियां हैं, कमर में पटका है और ये गति धोती है। वाह, ये सारा कुछ आपको खुद लगाना आ जाता है क्या? हाँ जी, पहले मैं गलत लगाती थी, गति आती थी मुझे पर मैं उल्टी लगाती थी, पर अब मैं यहाँ पर आई तो मैं मास्टर्स लोगों के साथ तो मेरा कर दिया मुझे इन सब ने। क्या आपको प्राउड नहीं होता कि एक ऐसी फैमिली के साथ आप जुड़ी हैं, एक ऐसे नाम के साथ आप जुड़ी हैं कि जो पूरा अपनी लोक संस्कृति समाज और परंपराओं को लेकर बिल्कुल अटूट और अडिग है? ऑब्वियसली मुझे बहुत प्राउड फील होता है। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि मैं भोपाल में रहती थी, पर जब मैं यहाँ पे आई तो जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मुझे पता चला ओ मैं इतनी लेजेंड फैमिली में आ चुकी हूँ। और इसके बाद बेस्ट पार्ट ये कि सब लोग बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरे घर वाले यही कहते हैं कि तू जैसे पहले थी आज भी वैसी ही है, और बस ये है कि बस पॉलिश होती जा रही है चीजें और निखरती जा रही है। मैं हल्का सा कंफ्यूज हूँ, आपने मुंडासू को भी पटका बोला क्या? पटका कौन सी जगह? अरे ये सर का मुंडासू होता है जी। ये तो घाम रहता है, धूप रहती है, इसलिए ये कि, और दूसरी बात मैं तो इसलिए भी बांधा था मैंने ये स्टॉल में कि बाल ना गिरे मेरे खाने में, कि बाल जाएगा किसी के खाने में तो वो भी है, तो वो मुझे घर पे भी सास जी बोलती है कि बाल बांध के जाओ किचन में, साफ सफाई का ध्यान रखती है। और ये पटका ये है
कि कमर जिससे टाइट रहे, पहले के लोग बहुत काम करते थे, बहुत चलना फिरना रहता था उनका, तो वो कमर में कस के बांधते, आज भी सासी अगर काम करती है तो कमर में जरूर बांधती है, तो बस मैं जो देखा है मैंने वही पहना है। बात मतलब ये फटका महिलाओं की बेल्ट हुई। अभी कैसे? अच्छा ये बताइए, माँ और सास में क्या अंतर नजर आया? माँ और सास में अंतर क्या नजर आया? कहीं नजर आया? ये जरूर बताना पड़ेगा जी। सासी सासी मेरी बहुत अच्छी है, मैं क्या बताऊँ, अपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया, पर माँ माँ होती है और सासू माँ होती है, माँ एक ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और सासू माँ की जगह भी कोई नहीं ले सकता। क्या मतलब गुणों को कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्या जैसे एक टेरन होता था बहुओं में, ये सब सास के सामने नहीं नहीं, एक टेरन होता था जो बहुओं में, कि अरे बाप रे सास पता नहीं कैसी मिलती है, क्या मिलती है, कैसा डिसिप्लिन होगा, क्या होगा, कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया शादी से पहले कि हाँ ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ये होता था नहीं, होता है आज भी कई जगह है, बस ये है कि मेरी, मैं जिस फैमिली में आई हूँ ये लोग इतने सब इतने अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है आज की जनरेशन को, तो कुछ सासी ससुर जी मेरे लिए करते हैं तो वही कुछ चीजें मैं उन लोगों के लिए करती हूँ। वेरी गुड। सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि सासी तो बहुत आपका जो नेचर वाइज हमेशा उनके दांत ही खुले रहते थे और जो जो उनकी सौम्यता है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो आपके ससुर जी लोग गायक और एक लीजेंड जिनका व्यक्तित्व रहा है, काफी गंभीर भी रहे हैं और काफी, क्या आप जैसी बोल्ड बहू के साथ उनको कभी ये नहीं लगा कि, या आपको ये तो नहीं लगा कि पानी ससुर जी डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी ऐसा फील किया? पता नहीं क्यों सबको लगता है ससुर जी बहुत मजाक किया है। मैं मतलब जितनी फ्रैंक साजी से हूँ मैं उतना ही ससुर जी के साथ भी हूँ, मैं यही तो बोल रही हूँ कि सब इतने कम्फर्टेबल फील कराते हैं कि मुझे कुछ अगर साजी नहीं है तो मैं ससुर जी से बोल देती हूँ वो चीजें कि ससुर जी ऐसा है, और वो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मतलब हमेशा सबको बूस्ट ही करते हैं कि करो, सब है सपोर्ट कर रहे हैं, तुम करो तो चीजें। गढ़कलियो इस समय इंद्रपुरम में छाया रहा पूरा स्टॉल, वो गढ़कलियो वाले आपको देख रहे थे या गढ़कलियो खा रहे थे? लोग मुझे भी देख रहे थे और फूड के कारण, खाना जो बना था उसके स्वाद के कारण भी आ रहे थे, ये बात सही है, लोग पता नहीं ये बोल रहे हैं कि अंजलि बैठी थी ये सब बुलाक पहन के, हाँ ऑब्वियसली इतना टाइम के बाद किसी को उन्होंने बुलाक में देखा है, तो जो बुजुर्ग आ रहे थे तो उन सब ने अपने पुराने काल में चले गए कि अरे हम पहना करते थे, अपने बच्चों को रोक रोक के दिखा रहे थे कि देखो ये हमारे यहाँ का कल्चर है, ऐसे पहना जाता है, तो वो भी था। फिर जब वो यहाँ आ रहे थे तो बोल रहे थे कि जब यहाँ कल्चर इतने अच्छे से दिख रहा है तो यहाँ का खाना और स्वादिष्ट होगा, और सासी का नाम तो पहले से था ही, पर उसके बाद जब वो टेस्ट किया, गढ़वाली ही नहीं बकायदा देसी लोग जो थे जो नॉन गढ़वाली है वो भी आया और उन्होंने चीजों को स्वाद, उसका जो स्वाद था स्वाद भी बराबर था, प्रेजेंटेशन साफ सफाई हर चीज टॉप में थी। मिसेज नेगी आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये बताइएगा कि गढ़कलियों में ये भी सुनने आया कि कई लोग कह रहे थे कि काश आपने नेगी जी की फोटो लगा रखी होती, इसका जवाब क्या दिया आपने? मैंने उनसे यही कहा कि नेगी जी का इससे कोई मतलब ही नहीं है, नेगी जी कहाँ विदेश की यात्रा में अभी हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे अपना अलग से कार्यक्रम ये कर रहे हैं गढ़कलियों के नाम से, तो हम लोगों का ये है कि अगर नेगी जी का फोटो हम लगाते और उसमें खाने में हमारे व्यंजन में टेस्ट नहीं होता तो क्या वो बिकता? मैं लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, क्या वो बिकता? और मैं कहती हूँ अगर टेस्ट है तो फोटो, किसी का भी फोटो या किसी के भी नाम की जरूरत ही नहीं है अगर टेस्ट है तो। बहुत खूब। अंजलि ये बताइए, आप अभी नस्ल डिफाइन कर ली थी कि अब ये बताइए कि इन दोनों नथों में कौन सी सलाने नथ है, कौन सी टीसी नथ है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी सलाने कौन सी? हाँ, सलाना नथ में मीना का काम होता है, मतलब जो आपने पहनी वो सलाना? हाँ जी, इसमें मीना का काम है, और जो टीरी की नथ होती है उसमें सफेद लाल मोती होते हैं, ये इसमें थोड़ा एक लटकन भी होती है उनकी यहाँ पे, पर वो हमने नहीं है, पर व्हाइट और रेड इसका होता है, मीना का काम होता है वो सलाना नथ होती है। वेरी गुड, मतलब आपने जो अपनी लोक संस्कृति को जीने के हर माध्यम हर तरीके ढूंढ लिए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना अच्छा, इतनी और आने वाली पीढ़ी में जो आपकी
बिल्कुल समझिएगा, आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं जो वेल एजुकेटेड हैं आपकी तरह, वो भी चाहती हैं कि हम कैसे अपने को एक तरीके से अलग दिखें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा अभी की जनरेशन को ये मैसेज है कि हमारा जो लुक है, हमारा जो गढ़वाली कल्चर है, वो बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है, आप उसको मत ऐसे विलुप्त होने दीजिए। मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैंने अपनी फूफू की शादी में पहना ये, और मुझे जब मौका मिलेगा मैं तब ये गती धोती बांधूंगी, तब ही बुलाक पहनूंगी, और आप लोग भी पहनिए। मुझे पता है वहां दिल्ली में इतने लोग आए तो कई लोग बोल के कह के अब हम भी पहनेंगे गुलबंद पहनेंगे, और वापस ये सब ट्रेंड में आ रहा है, और बस हम कोशिश कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, मतलब आप चाहती हैं कि अब जब भी कोई शादी ब्याह हो, पार्टी हो, आप अलग लुक में, बिल्कुल डिफरेंट लुक में ऐसे ही जाएं, जैसे हेमलता बहन जाती है, जैसे हंसा अमोला जाती है, और आपकी अगली पीढ़ी में ये भी सारा कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद आपको मिसेज नेगी, आपके जो संस्कार हैं पूरे आपकी बहू पे जा रहे हैं। क्या अपनी बहू को आपने बिल्कुल कच्ची माटी से पाथ के जैसे घड़ा बनाते हैं, क्या उसी तरीके से घड़ा बनाना पड़ रहा है, या बहुत अच्छी एक उन्होंने उनमें एक सीखने की ललक है, एक समझने की ललक है, और उस समझ को लेके बढ़ रही है? उसके अंदर सीखने की बड़ी जिज्ञासा है, वो सीखना चाहती है कि कुछ भी काम हो, या जैसे खाना बनाना है या कोई पहनना है, कुछ भी है, तो उसको सीखने की ललक है कि मैं इस चीज को सीखूं, वो जिज्ञासा है कि मैं इसको जानूं, इसके बारे में सीखूं कि क्या है ये, और उसको समझाया जाता, बताया जाता, तो एकदम से उसको सीख लेती है, एकदम से समझ जाती है कि हाँ मुझे ये करना, ऐसे करना। अभी एक जब मैं अंजलि का एक फोटो शूट कर रहा था, उसमें एक फील दिखा मुझे, वो मेरे गिंगोरे की नानी खेजा, बड़ा अचानक से एक दर्द जो चेहरे पे आता है, एक लुक उठता है, उस फील पे आप क्या कहेंगी नेगी जी, की वो फील्स जो थी, कितना क्या कौन सी पीड़ाएं रही होंगी वो, जिनका उन्होंने उसमें कहते हैं बनी जी का? तो यही कहना है कि मैं हमेशा अपनी माँ को आगे रख के ही गीत मैंने लिखे हैं, क्योंकि माँ ने बड़ा कष्ट देखा है, उनकी माँ बहुत काम किया है, खेती की है, जानवर भी पाले, गाय भैंस भी पाली हैं, और बहुत संघर्ष किया, बड़ा परिवार भी था, तो संघर्षों से जिए हैं, संघर्षों से उठे हैं नेगी जी, तो उनको हर चीज दुख दर्द का एहसास है, तो इसलिए शायद वो ऐसे गीत भी बनाते हैं। लोक संस्कृति के पुरोधाओं को या लोक संस्कृति को ग्रहण करने के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज को, कि किस तरीके से आप लोग अपने को बचा के, अपने को जैसे जौनसार बाबत ने अपनी संस्कृति बचा के रखी है, क्या हम गढ़वालियों को ये नहीं चाहिए कि हाँ हम भी अपनी संस्कृति का उतना ही गुणगान करें, उतना ही ख्याल रखें जितना अन्य संस्कृतियां, तभी जीवित रहेंगी? बिल्कुल रखना चाहिए, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति यही है कि जो हमारी बोली भाषा है, हमारा रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, इस पे हम ध्यान देने की जरूरत है हम सभी लोगों को। ये नहीं कि हमारा परिवार, अगर नेगी जी का परिवार इस पे ध्यान देता है तो इससे हमारी संस्कृति नहीं आगे चलेगी, हमारी संस्कृति तभी आगे चलेगी जब पूरे हमारे उत्तराखंडी आगे बढ़े, आगे चलें, अपने खान पान पहनावे पे ध्यान दें और समझें और सीखें और समझाएं दूसरे को, बताएं कि हमारी संस्कृति ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। चम चमदा ध्यान दिखेण जुन चली रात।